दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर किसी बकरी के बच्चे के पेट में पानी बोल रहा है और लंबे समय से बीमार है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या कैसे इलाज हो सकता है। तो देखिए, हमें जो समस्या भेजी है हमारे सब्सक्राइबर भाई और रेगुलर व्यूअर है भाईजान है वो सैयद नावेद इकाल जी, और उन्होंने भेजा है, सर जी मेरे पास एक बच्चा काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है, उसके पेट में पानी की आवाज़ आती है लेफ्ट साइड से, कोई ख़ास दवा बताइए सर, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसी समस्या में अगर आपने मीठा सोडा दिया तो वेल एंड गुड, अगर मीठा सोडा नहीं दिया है तो प्लीज़ दे दें, क्योंकि मीठा सोडा यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। मैंने पहले वेल एंड गुड गलत बोला था, अगर आपने नहीं दिया है तो आप मीठा सोडा दे दें, पहला काम ये करें। मीठे सोडे से क्या है कि रूमन की पीएच जो है वो सही हो जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में पानी बोल रहा है, इसका मतलब वहाँ पर चांसेस जो है वो एसिडोसिस के ज़्यादा बन रहे हैं, यानी जिस बीमारी के चांसेस बन रहे हैं उसका नाम क्या है, एसिडोसिस, यानी रूमन की पीएच जो है वो कम हो गई है। तो आप मीठा सोडा दे करके और रोमन की पीएच को बढ़ा सकते हैं, नंबर वन वर्क ये होता है। अब मान लीजिए मीठा सोडा देने से भी आराम नहीं मिला तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो आपको तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाना है और वहाँ पर एक ट्यूब आती है जिसका नाम है स्टोमक ट्यूब। क्या नाम है? स्टोमक ट्यूब। उस स्टोमक ट्यूब से कंप्लीट उसे आप खाली करवा दीजिए, मतलब जितना पानी निकल सकता है, वैसे भी 60-70% पानी ही निकलता है रूमन में से, तो जितना पानी निकल सकता है उतना पानी आप निकलवाएं, और निकलवाने के बाद आईवी जो सेलाइन चढ़ते हैं ना, सेलाइन वो पशु चिकित्सक आपके अपने हिसाब से चला देंगे। सेलाइन चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दो ही काम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप स्टोमक ट्यूब से निकलवा लेते हैं और सेलाइन चढ़वा लेते हैं तो श्योरली आपके बकरे को तैयार होना पड़ेगा।